खान को बॉलीवुड का बादशाह क्यों कहा जाता है, यह फिर से उन्होंने साबित कर दिया अपनी फिल्म जवान से। जी हां, बता दें शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर हजारों रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्म ने पहले ही दिन कर ली है रिकॉर्ड तोड़ कमाई। यहां तक कि जवान फिल्म ने अपने पहले ही दिन पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आज हम बात करेंगे जवान फिल्म के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों भाषाओं में हिंदुस्तान में कितनी कमाई की और फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितने करोड़ का हुआ। साथ ही जानेंगे गदर 2 और OMG 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। दोस्तों साल 2023 शाहरुख खान के लिए पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर और शानदार साल साबित रहा, क्योंकि 2023 के शुरुआत में ही शाहरुख खान ने पठान जैसी एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज किया था और अब उनकी फिल्म जवान ने भी रिलीज होते ही ऐतिहासिक कमाई कर डाली। जी हां, आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इटली कुमार ने, जो कि तमिल सिनेमा के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर है। फिल्म में शाहरुख खान तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही तमिल सिनेमा का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर विजय सेतुपति और तमिल सिनेमा के टॉप हीरोइन नयनतारा भी इस फिल्म में नजर आ रही है। आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म जवान ने वो जादू कर दिखाया है जो इससे पहले बॉलीवुड की कोई भी फिल्म नहीं कर पाई है। जी हां, आप सब जानते हैं कि साउथ की फिल्म हिंदी में रिलीज होती है तो वो फिल्मों तो हिंदी मार्केट में अच्छी खासी कमाई कर जाती है, लेकिन जवान के पहले हमारे बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में साउथ में रिलीज हुई तो साउथ ऑडियंस ने उसे नहीं देखा और ज्यादातर बॉलीवुड की फिल्म साउथ लैंग्वेज में फ्लॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान की फिल्म जवान, जिसे हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया, तो फिल्म ने हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी जबरदस्त कमाई की। जी हाँ, शाहरुख खान बॉलीवुड के पहले ऐसे हीरो बन चुके हैं जिनकी फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में भी बम्पर ओपनिंग मिली है। हालांकि यहाँ पर बात करें जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, उससे पहले जान लेते हैं फिल्म का बजट रिकवरी और स्क्रीन काउंट। तो आपको बता दें कि यहाँ पर शाहरुख खान की फिल्म जवान को ऑल इंडिया में 4500 से ज्यादा स्क्रीन में रिलीज किया गया है। वहीं आप सब जानते हैं कि शाहरुख खान का स्टारडम ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में भी जबरदस्त है, जिसके चलते फिल्म को विदेशों में 3000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। यानी जवान फिल्म दुनिया भर में 7500 स्क्रीन पर रिलीज की गई है और इस साल की सबसे ज्यादा स्क्रीन में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म जवान बन चुकी है। अब अगर बात करें जवान फिल्म के बजट के बारे में, तो आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म जवान को काफी ग्रेट लेवल पर बनाया गया है, जिसके चलते ही फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए का है। जी हां, जवान का बजट 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी, जितना इस फिल्म का बजट है उतनी कमाई तो ये फिल्म सिनेमा घरों में आने से पहले कर चुकी है। वो किस तरह, मैं आपको डिटेल में समझाती हूं। तो यहां पर शाहरुख खान के फिल्म जवान के जो सैटेलाइट राइट्स है यानी कि टीवी पर दिखाने वाला राइट्स, वो 24 करोड़ रुपए में बिक चुकी है। साथ ही साथ जवान फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है यानी कि OTT ऑनलाइन दिखाने का राइट्स, वो बिके हैं 130 करोड़ रुपए में। इसके अलावा इस फिल्म के जो म्यूजिक राइट्स है यानी कि गानों की राइट, वो बिके हैं 36 करोड़ में, जिसे खरीदा है टी सीरीज ने। तो यहाँ पर 300 करोड़ के बजट में बनी फिल्म जवान को रिलीज होने से पहले डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेचकर 250 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली थी। जी हाँ, 300 करोड़ बजट और फिल्म रिलीज होने से पहले ही 250 रुपए कमा चुकी थी। लेकिन अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, वो तो सबकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, डिटेल में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, तो उससे पहले आपको क्लियर बता दूं कि यहाँ पर जवान फिल्म पठान का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का जो फर्स्ट डे ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है, वो लगभग 75 करोड़ रुपए का हो रहा है। वहीं बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का, तो लगभग 140 करोड़ रुपए का हो रहा है। जी हाँ, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म जवान अपने पहले ही दिन दुनिया भर से 140 करोड़ रुपए का जबरदस्त ओपनिंग किया है। तो शाहरुख खान की फिल्म जवान ने ओपनिंग तो रिकॉर्ड तोड़ ले ली है। अब देखते हैं कि फिल्म को रिव्यूज पब्लिक की तरफ से कैसे मिलते हैं और ये फिल्म लोगों को कितना ज्यादा पसंद आता है। अब बात करते हैं गदर 2 और OMG 2 के बारे में, जो अभी भी सिनेमा घरों में धूम मचा रही है। हालांकि शाहरुख खान की जवान के रिलीज होने से इन दोनों मूवीज पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। सनी देओल की फिल्म गदर 2 का आज 28वें दिन है और फाइनली स्टीज और 90s के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन सुपरस्टार सनी देओल की कमबैक फिल्म गदर 2 ने आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोसर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस बन चुकी है। तो वही ये फिल्म आज अपने 28वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। और इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो कन्फर्म कर रहे हैं कि ये फिल्म 550 करोड़ रुपए के आंकड़े का टच करने वाले हैं। वहीं 28वें दिन भी फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपए की कमाई की है और अभी तक कुल 510 करोड़ रुपए के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है। वहीं अक्षय कुमार की OMG 2 ने आज 27वें दिन 70 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है और अब तक कुल 149 करोड़ रुपए के बॉक्स ऑफिस
कलेक्शन कर चुकी है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।